मुजफ्फरपुर में नशेरी कार चालक का कुराम कई लोगों को मारी टक्कर। एक ओर जहां बिहार में कई सालों से शराबबंदी कानून लागू है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में नशे में धुत कार चालक अनियंत्रित हो गया और कई लोगों को कुचल दिया। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूटा और कार सवार को पकड़ उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी और उसकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंचे एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने पूरी घटना की जानकारी ली है। घटना मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्टेडियम के पास की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पलटी किया गाड़ी, लोग पब्लिक कर दिया है। हम भाई खाना वाला गाड़ी चलाते हैं, है कि ना, हमको जख्म है। कितना लोग था गाड़ी में? इसमें इसमें 3 आदमी था, सब फरार हो गया। हाँ, नशा में तेज रफ्तार में था क्या? हाँ जी, आके यहाँ पलट गया। हाँ नहीं, आदमी लोग पलट दिया गया, झूठ क्या बोले। ठोकर में मारा गया है? ठोकर आपको उधर से मारते गया है, क्या कि हम लोग भोजन वाला गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, है कि नहीं, ये बैठे बैठे अभी हमको बचाने के लिए। हाँ, क्या किया था? गाड़ी आई थी यहाँ पर, क्या हुआ था फिर? नहीं, आके ठोकर मार दिया। किसको ठोकर मारा? ब्रेक मारा, ठोकर मार दिया, पब्लिक लोग पलट दिया। पलट दिया, उसे भाग गया। भाग गया। कौन जगह है ये? ये आपको 12 वार्ड है। एक व्यक्ति शराब पी कर ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे थे और शराब की हालत में उन्होंने जो फुटपाथ पे कुछ लोग अपना सामान बेचते हैं उनके ऊपर गाड़ी टच हो गई उनसे, तो उसके कारण गाड़ी रुकी और उसके कारण आपस में मारपीट की घटना हुई है। अभी नॉर्मल है और जिसको चोटें आई हैं दोनों पक्षों से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। कितने लोगों को टक्कर मार कर भाग गया है कहा जा रहा है? है उसमें 4-5 लोग हैं, उनको चल रहा है इलाज, चल रहा है। अरेस्टिंग सर कितने लोगों की हो? अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है, वो अभी पुलिस बयान पर FIR होगी, अभी जस्ट अभी तत्काल हुआ है। तो उनको सबसे पहले तो प्राथमिकता के आधार पर हॉस्पिटल में भर्ती करना जरूरी था, तो उसमें कर दिया गया। कार चालक पकड़ा है कि नहीं सर? कार चालक भी है पकड़ा गया। सर झड़प भी हुई है पुलिस के साथ में? पुलिस के साथ झड़प तो नहीं हुई अभी कोई भी। स्थानीय लोग उग्र हो गए थे उस कार चालक को रोक के? कानून को कोई हाथ में नहीं लेगा उसमें, तो अगर ये है कि स्थानीय लोगों ने अगर बदतमीजी की होगी तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी, सिंपल सा है। उसमें चालक चूंकि ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा था तो उसका अपराध सीधा सीधा हो गया, इस पर तो होगी, लेकिन अगर उसको मॉब जस्टिस करने पर तो लाएगी तो फिर मॉब पर भी FIR होगी। घायल उसमें है अभी एग्जैक्ट अभी बता देंगे आपको। 3-4 घायल है अभी? 3-4 घायल है, घायल के छोटी छोटी चोटें आई हैं उनके। और सर ये ड्राइवर कहाँ का है, कार कहाँ की है ये? इसकी शिनाख्त की जा रही है, अभी पता चला है कि ये समस्तीपुर का रहने वाला है, लेकिन अभी और डिटेल में पता चलेगा। क्योंकि वरदान पे पब्लिक स्कूल जिले का जाना माना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रीपरेटरी स्कूल आदर्श कॉलोनी यादव नगर भगवानपुर मुजफ्फरपुर DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल प्ले ग्रुप 2 प्राइमरी स्कूल वेस्ट ऑफ महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज हीरानगर के नजदीक हाउसिंग कॉलोनी रोड मुजफ्फरपुर तीनी टोट SR सेकेंडरी स्कूल नर्सरी टू 10th प्रीपरेटरी सेंटर फॉर इंडियाज लीडिंग स्कूल आवासीय द्रोण प्रेम पब्लिक स्कूल भारत के ख्याति प्राप्त स्कूलों की तैयारी के लिए जाना जाता है। NH 28 बीबीगंज भगवानपुर मुजफ्फरपुर होली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल CBSE अप टू 12th आदर्श लेन चैपमैन स्कूल रोड चर्च गेट के सामने हाथी चौक मुजफ्फरपुर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन। ओकवुर इंटरनेशनल स्कूल नर्सरी टू क्लास 10th CBSE करिकुलम PNB बैंक कैंपस पुरानी मोतिहारी रोड बैरिया गुलंबर मुजफ्फरपुर आनंद प्रे पब्लिक स्कूल एफिलेटेड विद CBSE न्यू दिल्ली अप टू 12th रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन। मंसूरपुर चमरुआ रेवा रोड मुजफ्फरपुर आवासीय आनंद प्रेप स्कूल राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विद्यालयों के लिए प्रीपरेटरी स्कूल पुनौरा हाउस चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर रेसिडेंशियल डे स्कूलिंग डुमड़ी गोबरसही मुजफ्फरपुर RPS पब्लिक स्कूल CBSE एफिलेटेड अप टू 12 झपहा मुजफ्फरपुर बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। UK इंटरनेशनल स्कूल CBSE करिकुलम क्लास LG से 10वीं तक JP कैंपस बैरिया ओल्ड मोतिहारी रोड मुजफ्फरपुर।